तो दोस्तों अलग अलग गाड़ियों में आपको अलग अलग मजे मिलते हैं, जो कि उन गाड़ियों को डिस्टिंग्विश करता है दूसरी गाड़ियों से। जैसे कि एक लग्जरी गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया लग्जरी मिलती है, एक परफॉर्मेंस गाड़ी में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, एक ड्रिफ्ट कार में आपको बढ़िया ड्रिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है, और एक SUV में आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है। लेकिन जो मुझे आपको लैंड रोवर मिलता है आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाला पूरी दुनिया में, क्योंकि इन गाड़ी ने ऐसे स्टंट परफॉर्म करे हुए जो कि आपने शायद ही सोचा हो कि कोई गाड़ी कर सकती है, और इसलिए मैं इस गाड़ी को या फिर इस वाले ब्रांड को दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। तो दोस्तों वेलकम बैक टू कारवर्सल। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत कंपाइलेशन के बारे में, लैंड रोवर के स्टंट्स के बारे में, जो कि आपका दिमाग पूरा बौखला देंगे। और इस वाले एपिसोड का लाइक गो लगते हैं 1100 लाइक्स का, और जो इसका रीजन है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो जो पहले स्टंट है जो कि लैंड रोवर्स काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो है इन गाड़ियों के टोइंग कैपेसिटी वाले स्टंट, जिससे इन गाड़ियों के पीछे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कुछ भी ढो सकते हैं और ऐसे कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये वाले स्टंट है वो तो एकदम अलग ही लेवल के चले गए थे, जिसमें पहला स्टंट ये है कि एक लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट के पीछे, जो कि इस ब्रांड की सबसे सस्ती और बाकी मैं मानता हूँ कि सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, उसके पीछे इस ब्रांड ने एक 100 टन की या फिर 1000 क्विंटल की एक ट्रेन को ढो के दिखा दी, और इस गाड़ी ने ऐसे पूरे मक्खन की तरह ढो दिया उसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बेस्ट टोइंग कैपेसिटी है जो कि आपको पूरी दुनिया में मिलती है। लेकिन अगर आपको ये बात भी छोटी लगती है और आप कहेंगे कि जो ट्रेन है वो पटरी पे है उससे उसे खींचना आसान होता है और बाकी जो कोई भी बच्ची सी गाड़ी भी कर लेगी, तो जो अगला स्टंट आपका दिमाग बौखला देगी, जिसमें एक लैंड रोवर डिस्कवरी जो कि इस ब्रांड की सबसे बड़ी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, जिसमें आपको 1 करोड़ का दाम मिलता है और आपको 3.5 टन की आपको टोइंग कैपेसिटी मिलती है, उसके पीछे इस ब्रांड ने एक 1,10,000 किलो का एक कार्गो ट्रक धोके दिखा दिया और इस गाड़ी ने ऐसे मक्खन की तरह से पूरा खींच लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रक था वो, जिसमें आपको बहुत ही सारे कार्गो मिलते थे। तो इसलिए अगर आपको अपनी गाड़ी के पीछे अपना पूरा खेत, अपना पूरा खलियान, अपना पूरा ऐसे देश पूरा ढोना आप ढो सकते हैं अपने लैंड रोवर के पीछे, और इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे ख्याल से फोर्ड एक्सपेडिशन के अलावा आपको लैंड रोवर में पूरी दुनिया में आपको बेस्ट ट्यूइंग कैपेसिटी मिलती है, तो अगर आपको कुछ भी ढोना आप इस गाड़ी के पीछे ढो सकते हैं। इसके बाद जो अगले तरीके की स्टंट है आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं, वो है इन गाड़ियों के वाटर वेडिंग वाले स्टंट, जिसमें इस गाड़ी को आप पानी में घुसा के ऐसे मजे ले सकते हैं, और बाकी जो लैंड रोवर के ओनर है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। जिसमें एक साउथ अफ्रीका के अंकल जी ने क्या किया, जिनकी आप स्माइल देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्माइल है, उन्होंने अपनी लैंड रोवर पुरानी वाली को, बहुत ही ऐसे पुरानी सी है, उसे 1.3 मीटर तक पानी में घुसा दिया, जिससे इस गाड़ी को जब वो ले जा रहे थे नदी से तो इस गाड़ी के अंदर पूरा पानी आ गया था, तब भी इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलाते गए इस गाड़ी को, और बाकी जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ऐसे सैवेज वाली लुक्स दी अपनी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी को पूरे पानी में डालना है आप डाल सकते हैं, और जो साउथ अफ्रीका वगैरह में डेजर्ट सफारी होती है वहाँ पे भी जो डिस्कवरी इस्तेमाल होती है वो लोग उन गाड़ियों को एटलीस्ट 1 मीटर तक पानी में घुसाते हैं, ताकि आपको पूरी बढ़िया नेचर वाली फीलिंग आए और आपको ऐसे बढ़िया वाली फीलिंग आए। इसके बाद जो अगले स्टंट है जो कि लैंड रोवर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो है इन गाड़ियों के स्पीड बम वाले स्टंट, जो कि काफ़ी अलग सा स्टंट है। तो ये जो स्टंट है वो लैंड रोवर ने खुद ही पूरा ऐसे मतलब सेट किया था, जिसमें क्या किया कि उन्होंने यूके की एक रोड पे काफ़ी बड़ा सा एक स्पीड बम रखा, जो कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पीड बम है। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी गाड़ी अगर आती थी उस स्पीड बम के पास तो वापस मुड़ के चली जाती थी, क्योंकि वो कैसे निकालते अपनी गाड़ी को। लेकिन फिर एक महाशय आते अपनी रेंज ओवर इवोक में, जो कि ऐसे अपने पानी की तरह इस गाड़ी को चढ़ा देते उस स्पीड बम पे, और बाकी जो आसपास के लोग ऐसे देखते रहते कि क्या हो गया ये, तो बहुत ही ऐसे बढ़िया वाली फीलिंग आई होगी उस बंदे को। और इस गाड़ी को अगर आपको बहुत ही बड़े बड़े स्पीड बम में चढ़ाना आप चढ़ा सकते हैं, और ये भी अगर आपको कम लगता है तो एक महाशय ने या फिर एक बंदे ने अपनी रेंज ओवर इवोक को, जो कि काफ़ी छोटी गाड़ी है इस ब्रांड की, काफ़ी सस्ती गाड़ी है, उसे स्केटबोर्डिंग पार्क में घुसा दिया, जिससे इस गाड़ी को ऐसे पूरे मजे ले लिए उसने, ऐसे आगे पीछे घुमा के और बाकी अंदर भी घुसा दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये सब इसलिए अकॉम्प्लिश हो पाता है क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया आपको एपर्चर और बहुत ही बढ़िया आपको डिपार्चर एंगल मिलता है, जिससे इस गाड़ी को आप ऐसे पूरे कर्व्स वगैरह पे चढ़ा सकते हैं और बाकी इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद जो अगले स्टंट है जो कि लैंड रोवर काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो है इन गाड़ियों के क्लाइंबिंग वाले स्टंट, जो कि ऐसे बढ़िया मक्खन की तरह इन गाड़ियों को कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। तो उसमें पहले स्टंट में क्या हुआ कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसमें आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलती है, अराउंड 10,000 सीढ़ियाँ मिलती है उनके मेन पैथवे में, तो उसमें चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लैंड रोवर ने या फिर रेंज रोवर ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट को डायरेक्टली चढ़ा दें इसके ऊपर, और बाकी जो मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को चढ़ाना शुरू करा और बाकी गाड़ी ऐसे मक्खन की तरह ऊपर चढ़ गई। और ये अगर आप देखें तो लगेगा आपको काफ़ी आसान, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता ही है, क्योंकि इससे जो गाड़ी के टायर है उसके बर्स्ट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और बाकी गाड़ी के पलटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। लेकिन एक रेंज ओवर ऐसे पानी की तरह चढ़ गई और इसे कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आपको ये वाला स्टंट भी छोटा लगता है या फिर अगर आपको ऐसे कुछ मामूली सा लगता है, तो अमेरिका में क्या हुआ कि एक अंकल जी अपनी रेंज ओवर को ऐसे ऑफ रोडिंग करा रहे थे और उनके सामने सडनली एक 70 डिग्रीज का एक पहाड़ आया, तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर भी चढ़ा के देखते हैं, और उन्होंने अपनी रेंज ओवर स्पोर्ट को डायरेक्टली उसके ऊपर चढ़ा दिया और बाकी ऐसे गाड़ी पानी की तरह चढ़ गई, जैसे कि एक नॉर्मल रोड पे जा रही हो, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। और जब ये गाड़ी नीचे उतर रही थी तब भी इस गाड़ी में आपको एकदम बढ़िया अट्रैक्शन मिलती है, एकदम बढ़िया आपको ऐसे ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी में कुछ भी आपको स्लिपिंग नहीं मिलती और ऐसे आराम से गाड़ी नीचे भी चढ़ गई। तो अगर आपको अपनी गाड़ी को 70, 80, 90 डिग्री तो नहीं, 70-80 डिग्रीज पर चढ़ाना आप चढ़ा सकते हैं अपनी रेंज ओवर को, जो कि मैं मानता हूँ कि बेस्ट गाड़ी है क्लाइंबिंग के तौर पर।
इसके बाद जो अगला काफी ओपी स्टंट है जो कि लैंड रोवर ने परफॉर्म किया है, जो कि मुझे काफी पसंद है, जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले ही परफॉर्म हुआ था, वो इस गाड़ी का डिफेंडर वाला स्टंट, जिसमें क्या होता है कि लैंड रोवर ने अपनी जो नई वाली डिफेंडर है उसका कमर्शियल शूट करते वक्त इस गाड़ी को ऐसे पहाड़ी से जम करवा दिया था, और उसके बाद जो इस गाड़ी की लैंडिंग हुई थी थोड़ी सही नहीं हुई थी, जिससे इस गाड़ी का जो सामने वाला इसे पूरा ठोक गया था। लेकिन इतनी बड़ी ठोकाई के बाद भी गाड़ी अपने आप चलती गई और बाकी अपने आप बैलेंस बना के भागती गई, जो कि दिखाता है कि इस गाड़ी में आपको बढ़िया बैलेंस मिलता है और इस गाड़ी में आपको बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस गाड़ी को अगर आपको ऐसे ठोकना वोकना ठोक सकते हैं और इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। फिर इस गाड़ी में आपको जो बेस्ट पार्ट मिलता है इस गाड़ी के स्टंट्स में, वो है इस गाड़ी की टग ऑफ वॉर कैपेसिटी, जो कि आपको बढ़िया मिलती है। तो अगर आप एक लैंड रोवर के खिलाफ किसी भी गाड़ी को लाते हैं, भले वो मर्सिडीज जी वैगन भी हो, तब भी ऑलमोस्ट 99% चांस है कि लैंड रोवर जीतने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको पता नहीं क्या जादू सा मिलता है जिससे गाड़ी हर बार टग ऑफ वॉर में जीतती है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो इसका अगर आप एग्जांपल ले तो एक 40 साल 30 साल पुरानी लैंड रोवर डिफेंडर का कंपटीशन हुआ था टग ऑफ वॉर वाला, एक रैम 3500 ट्रक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रक है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया पावर मिलती है, और जो मेन फंक्शन है इस ट्रक का वो है सामान ढोना अपने पीछे और बाकी ऐसे कहीं पे भी जाना। लेकिन उसमें भी जीत हुई लैंड रोवर डिफेंडर की, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्योंकि वो इतनी हल्की गाड़ी है जिसमें आपको इतनी कम पावर मिलती है एज कम्पेयर टू इतने बड़े ट्रक से। और सेकंड, एक नई वाली लैंड रोवर डिफेंडर का कॉम्पिटिशन हुआ था एक बहुत ही बड़े ट्रक से, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया टॉर्क मिलता है और आपको 5000 आपको किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है अराउंड, लेकिन उसमें भी जीत हुई लैंड रोवर डिफेंडर की। तो इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया ऐसे जादू सा मिलता है जिससे गाड़ी हर बार जीती है एक टग ऑफ वॉर में, और बाकी आप कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, भले वो किसी गाड़ी का हो किसी और चीज़ का हो, इसमें जो जीतने के चांसेस होते हैं लैंड रोवर के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला काफ़ी ओपी या फिर काफ़ी तगड़ा स्टंट है जो कि इस वाली गाड़ी ने या फिर लैंड रोवर की किसी एक गाड़ी ने परफॉर्म करा है, वो है इस गाड़ी का स्काई एल्पाइन वाला स्टंट, जो कि काफ़ी बड़ी एक पर्वत श्रृंखला है। तो क्या हिंदी हो चुकी है मेरी, पर्वत श्रृंखला, जो कि काफ़ी स्टीप होती है, जिसमें आपको बहुत ही ऐसे तगड़ा आपको डिसेंट एंगल मिलता है और आपको बहुत ही ऐसे बड़ी हाइट मिलती है 2200 मीटर की। और नॉर्मली जो साइक्लिस्ट वगैरह वो इस वाले जो पहाड़ी है उसे काफ़ी धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरते हैं उससे, लेकिन एकदम से रेंज ओवर के दिमाग में आता है, हमें लैंड रोवर के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम अपनी रेंज ओवर स्पोर्ट को इस वाली पर्वत श्रृंखला से अराउंड 150 किलोमीटर पर आकर एवरेज स्पीड पर ऐसे उतारे, और उन्होंने उतारा भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये जो पहाड़ी है उसमें आपको बहुत ही ऐसे स्टीप वाला एंगल मिलता है और बाकी आपको बहुत ही ऐसे ग्रेडियंट मिलता है इसके मटेरियल में, जिससे जो गाड़ी चढ़ाना और बाकी उतारना काफ़ी मुश्किल होता है और बाकी स्पेशली इतने स्पीड में, लेकिन लैंड रोवर ने करके दिखाया, जो कि इस गाड़ी की कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। और फिर जो लास्ट स्टंट है, जो कि अगर आप देखें तो टेक्निकली लैंड रोवर ने परफॉर्म करा है, टेक्निकली नहीं भी करा, लेकिन टेक्निकली इसलिए करा है क्योंकि जैगवार ने परफॉर्म करा और वो वाली जो कंपनी इस वाले ब्रांड की एकदम भाई जैसी कंपनी है, तो वो है जैगवार ईपेस वाला स्टंट, जिसमें जैगवार ईपेस ने ऐसे पूरा 360 डिग्री ऐसे क्लिफ से ऐसे पूरी छलांग मार के एकदम सेफ लैंडिंग करी थी, जिससे इस वाली गाड़ी को एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि उन्होंने भी रिकॉग्निशन दी इस वाले स्टंट को, तो काफ़ी बढ़िया बात है, और पहली गाड़ी थी पूरी दुनिया की जिसने ऐसा कुछ करा है, तो ऐसे मतलब ऑनर की बात है। तो ये थे मेरे थोड़े बहुत स्टंट जो कि लैंड रोवर्स ने परफॉर्म करे आज तक, जो कि मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, जिनकी वजह से लैंड रोवर के लिए एकदम बढ़िया रिस्पेक्ट होती है। और बाकी फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको जो लैंड रोवर की गाड़ियाँ पसंद है और क्या आप इन्हें खरीदना पसंद करेंगे 1 करोड़ के दाम में, 50 लाख के दाम में, 2 करोड़ के दाम में, और क्या आपको जैगवार पसंद है या फिर आपको लैंड रोवर पसंद है। और बहुत ही शुक्रिया आपको ये वाली वीडियो देखने के लिए।